हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने 12वीं वर्ग के छात्रों के लिए पाठ बंधुत्व जाति तथा वर्ग के भाग 3 लेकर के उपस्थित हूँ। आज फिर हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 का अवलोकन करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने महाभारत के समालोचनात्मक तथ्यों के बारे में अध्ययन किया था, और पार्ट 2 में विवाह के अंतर्गत जो विवाह के नियम थे, विवाह विवाह के प्रकार थे, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग गोत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि गोत्र कब से शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि गोत्र जो है एक ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह प्रचलन में आई। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर गोत्र होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गोत्र उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनके वंश एक मूल रूप से संबंध रखता है, जिनके वंश एक मूल पुरुष से संबंध रखता है। लोग अपने वंशज को आदि पुरुष से जोड़ते हैं। गोत्र उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनके वंश एक मूल पुरुष से संबंध रखता है। वह पुरुष आदि पुरुष है, जो सबसे आरंभ में वह पुरुष उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। उनके जो वंशज थे वो बहुत ही पुराने थे, जिनको आदि पुरुष हम लोग नाम दे रहे हैं। और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जितने भी गोत्र हैं सभी गोत्रों के नाम ऋषि मुनियों के नाम पर रखे गए हैं। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज के नाम से जाने जाते हैं। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण हैं। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये ब्राह्मणीय धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि विवाह के पश्चात यदि स्त्रियां अपने पति के घर आती है तो पति के गोत्र का ही इस्तेमाल करेंगी। प्रमुख गोत्र जो वर्तमान में देखे जाते हैं वो हैं कश्यप गोत्र, अत्रि गोत्र, भारद्वाज गोत्र, भृगु गोत्र, गौतम गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, विश्वामित्र गोत्र। इसके अलावा अन्य भी गोत्र हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण गोत्र हैं जिनके नाम पर जो है उत्तर भारत के और जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इन गोत्र का नाम रखते हैं। अगला महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे कि विवाह के पश्चात स्त्रियां अपने पिता के स्थान पर पति का गोत्र धारण करना पड़ता है, परंतु सातवाहन वंश के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सातवाहन के रानियां पति के गोत्र अपनाने की अपेक्षा अपने पिता का ही गोत्र का इस्तेमाल करती थी। यदि आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, इतिहास का सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा, मैं आपको उदाहरण के स्वरूप दे रहा हूँ, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुलमामी, ये अपने ये जो राजा थे इनकी माँ जो है अपने पिता के यहाँ से प्राप्त गोत्र को ही इस्तेमाल करती थी। तो सातवाहन वंश में ऐसा देखा गया है। अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में आज भी है। तो बहिर्विवाह, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म में जो शादियां होती है वो अलग गोत्र में होती है, लेकिन सातवाहन वंश के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें से कुछ रानियां ऐसी थी जो एक ही गोत्र से जुड़ी हुई थी, जो बहिर्विवाह पद्धति के नियम के खिलाफ था। इसके अलावा बहिर्विवाह का मतलब दूसरे गोत्र में शादी करना, लेकिन सातवाहन वंश में अपने ही गोत्र के लोगों से विवाह संबंध स्थापित करता है, और आज भी यह दक्षिण भारत के कई समुदाय में प्रचलित है। बांधवों जैसे ममेरे, चचेरे, फुफेर इत्यादि इत्यादि भाई बहन के साथ ये विवाह संबंध आज भी करते। सातवाहन राजाओं के अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। माताएं महत्वपूर्ण थी, उनकी भूमिका थी। भले ही वह सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बनती थी, परंतु राजा अपने नाम के पहले माता के गोत्र का नाम का प्रयोग करते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी में गौतमी गोत्र है और सातकर्णी उस व्यक्ति का नाम है, राजा का नाम है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी।
परंतु महाकाव्य महाभारत में देखते हैं कि भीष्म पितामह अपनी माता सत्यवती और पांडव अपनी माता कुंती से सलाह लेकर कार्य करते थे, किंतु माता गंधारी अपने पुत्र दुर्योधन को युद्ध के स्थान पर संधि करने की सलाह देती है, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। तो कहीं कहीं माताएं महत्वपूर्ण थीं और किसी ने माताओं को महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्रदान किया। आगे चलते हैं, सामाजिक असमानताएं, वर्ण व्यवस्था। अब देखिए समाज में किस प्रकार से भेदभाव आया। आज हम लोग ऐसा जानते हैं कि समाज में कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार के वर्ण व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। तो आखिर कैसे? तो यहाँ देखिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के चार अंगों से मानी गई है। एक विराट पुरुष आदि पुरुष है जिसके अंगों से चार व्यक्ति, चार वर्ण जो है निकलते हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है, ब्रह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य क्रीत रुतदस्य यदवश्य पदत्थाम शूद्रो अजायताम। अर्थात विराट पुरुष ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य एवं पैरों से शुद्ध वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व के 128वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने इस प्रकार बताई है, ब्रह्मणाम तुषिणो क्षत्रियाणाम तु लोहित वैश्यानाम पीत को वर्ण शूद्राणाम सितास्था। अर्थात ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की, जिनके रंग हमेशा श्वेत, लोहित, पीला एवं काला था। अर्थात ब्राह्मण श्वेत वर्ण के, श्वेत रंग के, क्षत्रिय लोहित वर्ण के, वैश्य पीले रंग के एवं शूद्र काले होते थे, ऐसा कहा गया है। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर निर्धारित थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारण होता था। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, अर्थात एक ब्राह्मण सैनिक का कार्य करता है, एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य है पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, लेकिन वह सैनिक का कार्य करता है तो उसका वर्ण क्षत्रिय वर्ण में गिना जाएगा, न कि वह एक ब्राह्मण होगा। यदि एक शूद्र वेदों का अध्ययन करता है, पूजा अनुष्ठान संपन्न करता है, तो उसे ब्राह्मण वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। परंतु आज बिल्कुल उल्टा हो गया। परंतु उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था बदल गई और वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। इस धारणा को पुष्ट करने के लिए धर्म सूत्रों एवं धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है, ऐसा उन्होंने धर्म शास्त्रों में कहा कि जो जिस वर्ण में वर्तमान में है, अब उस वर्ण के लोग जो नए पीढ़ी को जन्म देंगे वो उसी वर्ण का कहलाएगा। तो जो ब्राह्मण है वो भले ही शूद्र का काम करे, भले ही क्षत्रिय का काम करे, भले ही वैश्य का काम करे, लेकिन वह ब्राह्मण ही कहलाएगा। यदि शूद्र बहुत पढ़ा लिखा हो गया, वेदों का ज्ञाता हो गया, पूजा अनुष्ठान करता है, लेकिन वह शूद्र ही कहलाएगा। यह उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार का प्रचलन आरंभ हुआ। आज भी यह चीजें, यह प्रथा जो है विद्यमान है। धर्मशास्त्रों और धर्म सूत्रों में चार वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े गए कई नियम बनाए हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ संपन्न करना, कराना, दान देना और लेना था। क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान दक्षिणा देना था। वैश्य का कार्य वैश्यों के लिए कृषि, गौपालन, व्यापार का कर्म अपेक्षित था, ये उनका कार्य था। शूद्र का कार्य था उपरोक्त तीनों जो वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों को जो है उच्च वर्ण माना गया है, उन तीनों की सेवा करना है, शूद्र का दिखाया गया। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने दो तीन नीतियां भी बनाई। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है, ऐसा कहा गया कि ईश्वर ने यह व्यवस्था जो है बनाई है, इसलिए जो जिस व्यवस्था में अभी है उसी व्यवस्था में सारे लोगों को रहना है और आने वाली उनकी पीढ़ी भी उसी वर्ण व्यवस्था के अंग रहेगी। वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों का पालन राज में अनुसरित कराए, मतलब इसको लागू कराए। लोगों की यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान नहीं था। इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता है कि सभी जगह यह नियम लागू नहीं हुए हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे आप देख सकते हैं एकलव्य, एकलव्य का नाम आपने सुना होगा, जो एक आदिवासी भील जाति का था। ऐसा माना जाता है कि वह इसी मध्य भारत का रहने वाला था, जिसमें द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज साबित करने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दायां हाथ का अंगूठा मांग लिया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन शुक्राचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए
दक्षिणा के रूप में एकलव्य का दायां हाथ का अंगूठा मांग लिया ताकि वह कभी अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ ना बन पाए। तो कभी भी जन्म के आधार पर सर्वश्रेष्ठ निर्धारित नहीं होता है, इतना आपको मालूम हो गया होगा। राजा कौन हो सकता है? ब्राह्मण धर्म में या शास्त्रों में बनाया गया नियम है कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, परंतु इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो समर्थन और संसाधन जुटा के वह राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता है, वह राजा बन सकता है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, महाभारत में कर्ण सूत पुत्र होते हुए भी दुर्योधन ने उसे अंगराज का राजा बनाया। बिहार में भागलपुर, आज की भागलपुर, जो अंगराज कहलाता था उस समय, कर्ण जो है अंग का राजा था। मौर्य वंश के शासक के क्षत्रिय होने पर भी बहस होती रही है। बौद्ध ग्रंथों में इस वंश के शासकों को क्षत्रिय कहा गया है, कौन से? मौर्य वंश को, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में उसे निम्न कुल का मानते हैं। नंद वंश के शासक निम्न कुल के होते हुए भी मगध महाजनपद का शासन किया था, जिसका नाम होगा घनानंद, का नाम जरूर आपको याद होगा। शक, जो बाहर से आए हुए थे राजा, जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण मलेच्छ बर्बर मानते थे, परंतु शक राजा रुद्रदामन पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। साथ ही उसके परिवार के सदस्य के साथ सातवाहन वंश के शासक, जो स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रिय को दर्व करने वाला बताया, वैवाहिक संबंध भी बनाए। तो आप इससे यह पता चलता है कि जो समर्थन और संसाधन से भरपूर है उसके लिए कोई नीति नियम, कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं काम करता है। सवाल सवाल भी उठेंगे इस पर। शास्त्र कहता है कि राजा सिर्फ क्षत्रिय बन सकता है। ऐसे में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, जो ब्राह्मण थे, शासन किया। इसका जवाब आप ढूंढें। सातवाहन शासकों ने उन लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि आप उसी वर्ण व्यवस्था में शादी करें या उसी गोत्र में शादी कर सकते हैं, लेकिन बाहर, अपने वर्ण व्यवस्था से बाहर शादी नहीं कर सकते। तो ऐसी वैवाहिक स्थिति पर यह सवाल उत्पन्न करता है। सातवाहन शासकों ने अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, जबकि ब्राह्मणीय ग्रंथों में बहिर्विवाह प्रणाली प्रस्तावित थी। तो सातवाहनों ने बहिर्विवाह प्रणाली को उपेक्षित कर अंतर्विवाह प्रणाली क्यों अपनाई, इसका जवाब आप ढूंढें। तो इस तरीके से YouTube समाप्त होता है। अगला भाग लेकर के फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।